राजस्थान में कांग्रेस में दो फाड़ दिख रहा है। राजस्थान के उसिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा अब गहलोत के करीबी मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी पर जमकर बरसी हैं। दिव्या मदेरणा ने कहा है कि जोशी और धारीवाल दोनों गद्दार। राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम है मदेरणा परिवार, और इसी मदेरणा परिवार का वर्चस्व बरसों तक राजस्थान की राजनीति में रहा है। उसी परिवार से जुड़ी विधायक दिव्या मदेरणा इस वक्त मेरे साथ हैं। दिव्या, कौन से गुट से हैं आप? पायलट गुट से हैं या अशोक गहलोत गुट से? मैं स्वयं परशुराम मदेरणा की विरासत से हूं और कांग्रेस की निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। और अगर गुट की बात करें तो मैं आलाकमान के गुट से। जिस दिन ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, आप सीधा मुख्यमंत्री के घर पर बैठी हुई थी और वहां पर ही सचिन पायलट के तमाम विधायक थे, तो ये माना जा रहा है कि आप सचिन पायलट खेमे की तरफ से वहां थी? मैं खेमेबाजी की राजनीति करती नहीं हूँ। 15वीं विधानसभा ये है, अभी आपको विधानसभा का द्वार पीछे दिख रहा है और इसके शिला लेख पर परशुराम मदेरणा का नाम इतिहास में अंकित है। 52 से लेकर आज तक 15 टिकट मेरे परिवार को लगातार मिले। मेरे दादाजी ने एक वक्तव्य 98 के बाद में दिया था, वो पत्रकारों से जनरली मुखातिब नहीं होते थे और बहुत मुश्किल से गोपाल जी ने उनसे इंटरव्यू, अब भी नहीं होती हैं बहरहाल, उन्होंने कहा था पथ पर पाम नहीं विश्वास चला करता है। तो कौन कहां था मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकती हूं, लेकिन अधिकृत विधायक दल की मीटिंग सीएमआर पे निर्धारित थी। उसकी इन्फॉर्मेशन चीफ व्हिप महेश जोशी जी ने फोन करके स्वयं प्रत्येक विधायक को और मेयर को दी थी कि कल 7 बजे शाम को मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की मीटिंग है। अधिकृत सोनिया जी के भेजे हुए ऑब्जर्वर्स वहां पर आएंगे, तो निश्चित रूप से मुझे वहां आना चाहिए था। दूसरी बात, मैं इसको पता नहीं, मुझे घटनाक्रम को आप पूछेंगे तो देखेंगे, विधायक दल का नेता कौन होता है, सीएलपी लीडर कौन होता है? मुख्यमंत्री, वो तो स्वयं वहां थे। और मैं धानियों भगानियों से डायरेक्शंस नहीं लेती हूं। अगर मुझे सीएलपी के नेता ये कहें कि विधायक दल की मीटिंग कैंसिल हो गई और नहीं आना है, तब हम नहीं आएंगे। आपको कहा गया कैंसिल हुई है? नहीं कहा गया, आपको बुलाया गया। तो आपको लगता है सेंटिटी जो होती है एक विधायक दल के लिए, जो चीफ व्हिप कहता है, तो आप आगे उसको फॉलो करेंगे इस तरीके की सूचना? आज के बाद मैंने तो सार्वजनिक रूप से ये कह दिया है कि महेश जोशी जो है आलाकमान के वरदहस से जो दो दो पद से नवाजे गए, जो एक पद दो पद की बातें हुई हुई है, जो कैबिनेट रैंक के दो पद आलाकमान के वरदहस से, वो आज आलाकमान को आंख दिखा रहे हैं। खुद स्वयं हर एक विधायक को चीफ व्हिप की भूमिका के अंदर फोन करते हैं और उसके बाद स्वयं अगले, मेरे को तो फोन नहीं किया क्योंकि मेरे को तो कर नहीं सकते हैं, बाकी विधायकों को उन्होंने फोन किया, भ्रम की स्थिति उन्होंने पैदा करी। निश्चित रूप से कई जो ऐसे विधायक हैं जो इंस्टेंटली अपनी पॉलिटिकल आईक्यू जिन्होंने नहीं यूज किया, कंफ्यूजन की स्थिति उन्होंने क्रिएट की, उन्हें ये कहा गया कि अब आप शांति धारीवाल जी के घर पर आइए, यहाँ से साथ जाएंगे। माकन जी कह रहे हैं अनुशासनहीनता है, तो आपको लगता है कार्रवाई की जानी चाहिए इन पर? निश्चित रूप से करी जानी चाहिए। आप मुझे बताइए कि आप पहले विधायकों को कहते हैं कि सीएलपी की मीटिंग में सीएमआर आ जाइए, दूसरे दिन आप कई विधायकों को कहते हैं कि नहीं आप यहाँ जाइए, हु आर यू टू सुपरसीड। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सीएलपी की मीटिंग का पता नहीं था, हमने वहां पकौड़े खाए बैठकर, वहां पे टेंट तंबू खाना सब कुछ लगा हुआ था, किस लिए वो आयोजन किया हुआ था, स्टेज लगा हुआ था, कुर्सियां लगी हुई थी स्टेज की, वो आयोजन किस लिए था? तो ये तो ऑन द फेस कोई डिनाई नहीं कर सकता कि सीएलपी की मीटिंग वहां नहीं थी। सीएलपी की मीटिंग वहां थी, तभी तो अशोक गहलोत जी होटल गए थे, उसके बाद पर्यवेक्षकों को वहां लेकर आए थे, डोटासरा जी भी वहीं थे, रघु शर्मा जी जो प्रवेक्षक है गुजरात के सीनियर नेता हैं, वो भी वहीं थे। 102 में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, आपको इनकी मांग को लेकर के क्या कहना है? नहीं, मैं तो आलाकमान की वफादार हूं, हमने तो 98 का जो निर्णय था उसको सर झुकाकर सम्मान आत्मसात किया और हमेशा करते आए। 10 साल का 2011 में मेरे पिता के साथ जो प्रकरण हुआ, जिस किस तरीके से उनका इस्तीफा हुआ, वो भी कोई सही नहीं था। मुख्यमंत्री जी बुलाकर उनको कह सकते थे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, जिस तरीके से संवादहीनता रखकर वो किया गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमने हमेशा माना कि आलाकमान या कांग्रेस का जो निर्णय है वो व्यक्ति विशेष से ऊपर है, हमारे से ऊपर है, पार्टी हित के अंदर जो निर्णय लिया जाएगा हम उसे मंजूर करें। एक बात तो तय है, वन लाइनर रेजोल्यूशन से आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कंडीशन लगी और जिसको लेकर के बवाल हो रहा है कि 3 कंडीशन जो लगाई गई, कहा गया कि मुख्यमंत्री 102 में से हो, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री 19 अक्टूबर के बाद तय हो, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या सोचती है? भले ही आप किसी गुट में ना हो, चाहे आप पायलट गुट में भी नहीं हो, चाहे आप शासनहीनता है सरासर रेजोल्यूशन के ऊपर, ये राइडर 156 के अंदर कम से कम 120 के विधायक मदेरणा साहब के थे,
बोलने की जरूरत नहीं थी, मन के चेहरे की लकीरें टोपी का इशारा भी कर देती तो राजस्थान में बवाल मच जाता। इसलिए मैं मानती हूं कि ये प्रश्न चिन्ह यहां पर, ये कहना आला कमान को सर्वप्रिय मानना, दूसरी तरफ डायरेक्शन देना। मैंने कल इंटरव्यूज देखे इनके, चीफ व्हिप और संसदीय मंत्री की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, ये कहना कि 102 में से बनाइए, ये क्या आप आला कमान को निर्देशित कर रहे हैं? क्या आप आला कमान को धमका रहे हैं? जो आपने घटनाक्रम किया वो ब्लैकमेलिंग की श्रेणी में आता है क्यों? आपको जब तक सूट हुआ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अंदर तब तक सब सही था, जब नहीं सूट हुआ तो आप धत्ता बताने पे आ गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।